छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमण सिंह जणाव्युं कि अमे मणिपुर की सरखामणी अन्य राज्यों साथे करता नथी, परंतु एक बात तो स्पष्ट छे कि जो गुनानी घटना छत्तीसगढ़ में थई रही छे तेने अवगणी न शकाय। मणिपुर में थयेली हिंसा अने जघन्य गुनानी तमाम लोकोए टीका करी, भाजपा नेताओए पण राष्ट्रव्यापी मणिपुर हिंसा की निंदा करी, परंतु शुं छत्तीसगढ़ बनाव विशे कांग्रेसे कोई प्रतिक्रिया आपी खरी? महत्वनुं ए छे कि आ वर्षना अंत सुधी में छत्तीसगढ़ में विधानसभा की चूंटणी योजावानी छे। कोई किसी राज्य से तुलना नहीं करता, मगर एक बात तो है कि जो घटनाएं यदि प्रदेश में हो रही है और छत्तीसगढ़ में हो रही है तो छत्तीसगढ़ की घटना को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मणिपुर की घटना का सभी लोगों ने निंदा किया, मणिपुर की घटना के बारे में सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्रव्यापी उसका कठोर शब्दों में निंदा किया। भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, मगर जब छत्तीसगढ़ में घटना होती है, छत्तीसगढ़ की घटना के बारे में क्या कांग्रेस प्रतिक्रिया देने से भी बस? कांग्रेस वड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे आज गृहप्रधान अमित शाह ने पत्र लखी संसद वर्तमान सत्र में मणिपुर पर चर्चा करने विपक्ष की मांग ने पुनरुच्चार कर। शाह विपक्ष पास थी अमूल्य सहकार मांगो और पक्ष की रेखाओं ऊपर उठवा कहू। एक दिवस पछी पत्र आयो। अमित शाह पर निशान साधता खड़गे कहू कि शब्दों संसद में सत्ताधारी पक्ष कार्यो साथ मेल खाता नहीं। जूनागढ़ मांगरोळना खेडूतोए मामलतदार कचेरी में संकलन समितिनी बैठक में पहुंची पाणी निकाल माटे फरियाद नोंधावी। ज्यां खेडूतोए अधिकारीनो घेराव करी आ अंगे रजूआत करी हती। रोड बनाव्यो परंतु पाणीना निकालनी कोई व्यवस्था नहीं करता। पांच गामना खेडूतोना खेतर में पाणी फरी वळता खेडूतोने लाखोनी नुकसानी भोगवानो वारो आव्यो। खेडूतोनो आक्षेप छे कि अधिकारी द्वारा खेडूतो पासेथी केनाल काढवानी परमिशन लीधी हती। खेडूतोनी मांग छे कि अंगे थोड़ा ज समय में निर्णय नहीं लेवाय तो आगामी समय में उग्र आंदोलन करवानी चीमकी उच्चारी छे। आज अमे पाणीना निकाल माटे भेगा थया, आज 20 દિવસથી પાણી અમારા ખેતરોમાં ભર્યું છે, કોઈ અધિકારી સ્થળ ખરાઈ કરવા આવતા નથી અને દરેક એમાં માનખેતરાનો જે આખું ગામતળ છે એમાં અત્યારે ક્યાંય પણ ચૂલો હરગે એવી પરિસ્થિતિ નથી। તમે રૂબરૂ કોઈ પણ અધિકારી આવીને જોઈ શકે, પણ કોઈ અધિકારી આવ્યા નથી એટલે આજે અમે છેલ્લું આવેદન પત્ર દેવા આવ્યા।